29 अक्टूबर 2023 को खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच। वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड टीम बस से बदतर होती जा रही है, बड़ी बड़ी टीमों से तो हारी, छोटी टीमों से भी हार चुकी है। कल श्रीलंकन टीम से हार गई, मात्र 156 रन पे ऑल आउट हो गई टीम। इतनी भारी भरकम बैटिंग लाइन लेने के बाद भी 156 पे ही ऑल आउट हो गई। पॉइंट्स टेबल पे 9वें नंबर पे विराजमान है। बिल्कुल पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप 2023 से बाहर हो जाएगी, या यूं कहिए कि हो चुकी है। इंडियन टीम की तरफ से हार्दिक पांड्या इस मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि चोट लगने कारण वो कुछ मैचों में अवेलेबल नहीं रहेंगे, और ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड कप 2023 से वो बिल्कुल बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल अगर इस मैच के टिकट्स की बात करूं तो इसकी टिकटें जो हैं दो बार बुकिंग के लिए ओपन की गई थी बुक माई शो पे। पहली बार ओपन की गई थी रात के 8 बजे 23 अक्टूबर को, 8 बजे टिकटें ओपन हुई थी, 7:30 बजे के आसपास मैंने बता दिया था आपको कि टिकटें आने वाली हैं, टिकटें आप बुक कर लीजिए। बहुत लोगों ने टिकट बुक किया, कई लोग टिकट बुक नहीं कर पाए। दोबारा फिर टिकटें बुकिंग के लिए अवेलेबल हुई थी कल यानी कि 26 अक्टूबर 2023 को दोपहर के 12 बजे इसकी टिकटें बुकिंग के लिए अवेलेबल कराई गई थी। 12 बजे टिकटें अवेलेबल कराई गई थी, 10:30 बजे यानी कि 1.5 घंटा पहले मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई टिकटें आने वाली हैं, टिकट बुक कर लीजिए। कई लोगों ने टिकट बुक किया, कई लोग टिकट बुक नहीं कर पाए। तो जिन्होंने टिकट बुक कर लिया है तो अच्छी बात है, जिन्होंने टिकट बुक नहीं किया है तो अभी इस मैच की टिकट्स को लेकर अपडेट अब ये है, तो अब इसकी टिकटें जो है वो बुक माई शो पे बुकिंग के लिए अब नहीं डाली जाएंगी। मात्र 5% चांस है कि हो सकता है कि आ जाए, वरना बिल्कुल आप नाक बराबर मांग चलिए कि नहीं आने वाली टिकटें, क्योंकि दो बार पहले से आ चुकी हैं और दोनों बार सोल्ड आउट हुई हैं, तो इसलिए बिल्कुल कोई चांस नजर नहीं आता कि अब इसकी टिकटें बुकिंग के लिए डाली जाए। 5% की उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद डाली जा सकती हैं, वैसे इसकी भी उम्मीद बहुत कम लगती है मुझे। तो फिलहाल अगर कोई भी अपडेट आती है इस मैच के टिकट्स को लेके या किसी भी मैच के टिकट को लेके तो मैं आपको तुरंत अपडेट देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही मिलेगा आपको पूरा ज्ञान।